इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सीखेंगे हम? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके की है, एक एक करके आराम से सीखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट लेटर स्टेज पे आएगी, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्स एंड वाई इस पे दिख रहा है, ठीक है। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट 31 मार्च की। चल रीड करेंगे ओल्ड रेशियो 3:2। क्या कोई फ्री रिजर्व है? क्या कोई रिजर्व है? हाँ है, स्टार लगा दिया। एसेट साइड पे क्या कोई एक्युमुलेटेड लॉस है, एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, जेड विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पेंसेट, तो मतलब गुडविल नहीं लाया, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी पर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 14,000, प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग वॉज फाउंड ब्रॉट अप टू, बिल्डिंग के एडजस्टमेंट है, क्या है वो तब देख लेंगे, स्टार लगा दो अभी। ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन के एडजस्टमेंट है। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये है सारा खेल। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई मैं पढ़ ही नहीं रहा अभी, कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में है, पहले हम बाकी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं जल्दी से। और हमें क्या मांगा है? रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, ठीक है। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रॉकेट की स्पीड पे करेंगे 119, 112। तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस दिखा देंगे, बाय बैलेंस बी डी 119, 112। ट्रीटमेंट ऑफ गुड, रेशियो कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है। रेशियो हमें चाहिए क्या? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ मेंशन नहीं है। ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन है पार्टनर्स? एक्स एंड वाई 3:2, जेड एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2, मतलब अच्छा रहता है, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? नया पार्टनर बाय जेड्स करेंट अकाउंट, बाय जेड्स करेंट अकाउंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज 84,000, तो 1/6। समझ गया, कुछ गलत कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। Z's share of goodwill 84,000 into 1/6, तो क्या कह रहे हैं आप? 14,000। 14,000 किसको मिलेगा? X and Y को, किस रेशियो में? 3:2, तो 14,000 divided by 28 होता ना, 28 into 3, 86, ठीक है जी। बाय अकाउंट 84, 56, कोई भी डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व है, कुछ मेंशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, बांट दो। 14,000 तो हमने अभी बांटे थे, ये अच्छा हुआ। जनरल रिजर्व तो फिर कितने मिल जाएंगे? 8,400, 5,600, कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, और कोई रिजर्व नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक एक करके बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 14,000, बढ़ा दो वैल्यू बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितने से? 14,000, तो प्लांट एंड मशीनरी का वो देख लेंगे। चलो एसेट्स एक ही बारी में, पहला प्लांट एंड मशीनरी, बहुत खुशी की बात है। तो कितना हो गया प्लांट एंड मशीनरी? 84,000। नेक्स्ट बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, चलो लिख देते हैं, बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डन, बिल्डिंग वॉज to be brought up to 1,09,000, building कितना है? 98,000, brought up to 1,09,000, building was to be brought up to, बढ़ानी है value 11,000 से, by building कितना? 11,000, तो क्या हो गया जी ये? 25, हाँ ठीक है, building कितना हो गया नई value? 1,09,000, कोई भी डाउट अभी तक? कुछ भी नया बताया मैंने अभी तक? नो,
ऑल डेटर्स आर गुड, बड़ी खुशी की बात है, प्रोविजन रिवर्स कर दिया जाए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 7,000 डेटर्स एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे कितने 42,000। स्टॉक के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो स्टॉक एज इट इज दिखा दो 21,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई आइटम नहीं है। 25, 32, 2 प्रॉफिट्स नहीं है सारे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एन वाई 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में, 5, 5, 6 5 है ना, 5, 6, 5, 4, 6,400, 6,400, 6,400, 12,800, 19,200, 21, 21, 32, 32. तो यहाँ पे दिखा दो क्या वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 19,200, 12,800 कोई डाउट? कैपिटल आया था वो पहले दिखा सकते थे हम, बैलेंस शीट में कैश है, बैलेंस शीट में कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू होंगी, ध्यान रखना है। कितना लाया कैपिटल 56,000। अब ध्यान से देखना बेटा, सब कुछ कर लिया कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करी, सब कुछ कर लिया कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करी, यहां तक आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए था, नहीं है तो आप दिक्कत में है, ठीक है ना? तो दिक्कत कैसे ठीक होगी, रिमाइंड दोबारा करो प्रैक्टिस। कैपिटल एडजस्टमेंट इम्पॉसिबल है सही होना अगर मेरे बैलेंसेस सही नहीं है, मतलब इसके बेसिस पे होगा जो होगा, तो यहां तक ही अगर गलती है तो आपको अच्छे से भी आती हो ना कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, आंसर सही नहीं निकलेगा क्योंकि उसको ये बैलेंसेस चाहिए कि बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बैलेंस है, तो वो निकालेंगे। ध्यान से देखना प्लीज, दो स्टेप्स में होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो पहले क्या निकालेंगे कैपिटल्स बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, तो 119 लेट्स सेव सम टाइम 119,000 प्लस 16,800 प्लस 19,200 1,55,000 1,12,000 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 12,800 136 56,000। अब ध्यान से देखना ये टोटल्स कर लेंगे आप प्लीज अपने आप साइड्स के, 155, 136, 56 जो टोटल्स होते हैं वो डबल लाइन लेजर टोटल हो रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, साइड टोटल, ठीक है 155, 136, 56 अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, अब कह रहे हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट, आराम से अब पूरी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही होगी। बैलेंस बीडी 155, 136 एंड 56, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई will be adjusted on the basis of Z's share and adjustments will be done by opening necessary current account, वो बाद में जाते हैं, पहले capital adjustment सीखते हैं कि क्या है। वो कह रहे हैं कि Z will bring 56,000 as a share of capital, capitals of X and Y will be adjusted on the basis of Z's share, इसका मतलब क्या होता है आराम से देखेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी, कैपिटल एडजस्टमेंट, जेड ला रहा है कुछ शेयर अपने, कुछ अमाउंट ला रहा है फॉर 1/6 शेयर, उसके बेसिस पे वो कह रहा है कि अगर मुझसे 1/6 शेयर के लिए कितना मंगवाया है 56,000 मंगवाया है ना, बाकी सबकी कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, वो ये चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोल रहे हो कि 50,000 लाओ 1/4 शेयर के लिए, तो कह रहा है फिर आपका शेयर कितना है, 2/4, कह रहा है अगर मेरा 1/4 के लिए 50,000 है ना
फिर आपकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। सबकी कैपिटल एडजस्ट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। मैं ही क्यों लाऊं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? सबकी कैपिटल होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ये रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट। क्लियर? एक एक करके बात करेंगे। स्टेप 1, स्टेप्स नंबर नहीं लिखने होते, इस ऑर्डर में करनी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले कैलकुलेट क्या? टोटल कैपिटल। कैलकुलेट टोटल कैपिटल, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट टोटल कैपिटल कह रहे मतलब इफ जेड ब्रिंग्स 56 है, 54 है, इफ जेड ब्रिंग्स 56,000 फॉर 1/6 शेयर, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ हिज शेयर इज इक्वल टू 56,000 इंटू 6/1। आप 1/4 के लिए कुछ ला रहे हैं तो टोटल कितना होना चाहिए जो भी ला रहे हैं? इंटू 4/1, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट? 6/5 = 30, 6/6 = 36, तो 3,36,000 दिस इज द टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल है। इसमें कोई डाउट अभी तक? स्टेप 2, कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल, कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें रेशियो चाहिए, तो ये कौन सा केस है? 1/6 दे दिया इसको, 5/6 बचा, एक्स और वाई है 3:2, 5/6 × 3/5, 5/6 × 2/5, 5 3 = 15, 30, 5 2 = 10, 30, और जेड कौन है? 1/6 विच इज इक्वल टू 5/30, 15 is to 10 is to 5, 3:2 is to 1। कोई भी डाउट? क्या आ गया ये? न्यू रेशियो। तो आप ये पहले भी कैलकुलेट करके रख सकते थे। अब ध्यान, कैपिटल एडजस्टमेंट में चाहिए होगा न्यू रेशियो, इस वाली में आ गया न्यू रेशियो। अब वो कह रहा है एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कह रहा है टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। टोटल कैपिटल है 3,36,000, तो एक्स का शेयर क्या है? 3/6, इसका हाफ 150 + 18, 168 होनी चाहिए। वाई की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,36,000 इंटू 2/6, 1/3 मतलब 1,12,000। और बस वेरिफिकेशन, जेड्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,36,000। हमने गुडविल दे दी ना, आई थॉट भूल गए, दे दी है। तो जेड्स करंट अकाउंट करा है ना? हाँ सॉरी, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे गुडविल रह गई। कर दी कर दी, मैं क्या बड़ा दुख होता मेरा। 3,36 × 1/6 इतनी होनी चाहिए, होगी क्योंकि इसी के बेसिस पे तो सब कुछ करा है। 6/5 = 56, तो इसकी होनी चाहिए। हाँ ये तो है इसकी, बाकियों की नहीं है, बस ये करना है आपको। सिंपल सा है, कितनी है, कितनी होनी चाहिए। स्टेप 3, कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। ध्यान से देखना कैसे। कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट में कर सकते हैं, ज्यादा इजी होता है। अभी दिखाऊंगा ना, पता चल जाएगा। पार्टनर एक्स और वाई, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है जो आप कैलकुलेट करे बैठे हो? 155 136। एग्जिस्टिंग कैपिटल है 155 और 136। होनी कितनी चाहिए उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। कितनी होनी चाहिए? 168 और 112, कितनी होनी चाहिए? अब ध्यान से देखना, 155 है, 168 होनी चाहिए। तो एक्स विल
ब्रिंग कितना 13,000 विदाउट, और इसके 136 है और होनी चाहिए 112, वाई विल गेट 24,000। समझ आई बात? कोई डाउट? कोई भी डाउट? कैपिटल एडजस्टमेंट डन। क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये जो एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए, वरना ऐसा भी हो सकता है वो बोलेंगे बाय ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश और विड्रॉइंग कैश। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी, कैश में होगी या करंट अकाउंट, वो क्वेश्चन बताएगा। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ मेंशन नहीं है सर करंट अकाउंट या कैश, तो कैश होगी। करंट अकाउंट तब होगी जब स्पेसिफिकली मेंशन है। अब कैसे होगी ध्यान से देखना। एग्जिस्टिंग कैपिटल आप निकाले बैठे हैं, आप ये लिख देंगे लास्ट में टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितनी होनी चाहिए क्लोजिंग बैलेंस लिख दो पहले, कितना होना चाहिए। निकाला हमने अभी 168, 112, ध्यान से देखेंगे प्लीज कितनी होनी चाहिए 168, 112, 56 होनी चाहिए। अब कंपेयर कर लो दोबारा, 155 है, 168 होनी चाहिए। तो पार्टनर और पैसे लाएगा ना, कौन लाएगा? एक्स। तो पैसे लाता तो होती है पे बाय कैश, लेकिन उन्होंने क्या बोला करंट अकाउंट के थ्रू, तो बाय एक्सेस करंट अकाउंट, कि हमने एक्स से पैसे लेने हैं कितने 13,000। हो गया ये क्लोज 168, 168। वाई की बात करते हैं, 136 है, होना चाहिए 112, तो इसको वापस कर दो टू वाइज करेंट अकाउंट 24,000। क्लियर? 136 जेड का पहले ही पूरा है, तो सिर्फ ये जो पोर्शन है इसे कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये तो पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट है ना बस, एडिशनल। बट ये सही तभी होगा जब एग्जिस्टिंग कैपिटल सही है। बात समझ आई? अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो। क्रेडिटर्स कितना 56,000, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैपिटल्स कौन पार्टनर्स हैं, एक्स 168, 112, 56, 336। अब ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आपका कैश है, कैश 77, कैश में तो नहीं हो रही कैपिटल एडजस्टमेंट वरना इसमें प्लस माइनस होता, तो कैश कितना है 77। कैपिटल आया कैश में, गुडविल कैश में नहीं आया, गुडविल कैश में नहीं आया तो 120, 133, 120, 133। अब ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जेड अपनी गुडविल लाया? तो जेड करंट अकाउंट डेबिट हुआ था ना, एसेट्स में दिखाना होगा, ये रह जाता है, ध्यान रखना होगा आपको। पैसे लेने हैं ना जेड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड करेंट अकाउंट कितना था गुडविल 8,400, 14,000, 14,000 ये आ गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एक्स का करेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आपने एक्स से पैसे लेने हैं, एक्स ने पैसे लाने हैं बिजनेस में, तो मतलब फर्म ने लेने हैं ना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है, तो फर्म के एसेट्स में आएगा, क्या आएगा, एक्सेस करंट अकाउंट कितना 13,000, और वाई को पैसे देने हैं कितने, वाइज करंट अकाउंट कितना 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है। पार्टनर ने पैसे लेके आने हैं तो मतलब फर्म ने उससे पैसे लेने हैं, और डेबिट हो रहा है ना तो फर्म का एसेट है, सर डेबिट थोड़ी ना हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का, फर्म का एसेट। यहाँ करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो फर्म ने उसके पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म। और कोई लाइबिलिटी है? क्रेडिट इज डन, कैपिटल डन, ठीक है जी, क्लोज करें। मोमेंट ऑफ ट्रुथ 56, 380, 392, 396, 416, एसेट्स 84 प्लस
1,09,000 प्लस 63 प्लस 133 प्लस 27 416 मुश्किल नहीं है, मजेदार है, मजेदार है। कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कहीं पे भी एक भी गलती हो गई तो कैपिटल एडजस्टमेंट मैच नहीं करेगी। कहीं पे एक भी गलती हो गई, 100 रुपए की, 50 रुपए, कुछ भी, तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मजेदार।